आपका नाम क्या है? दीपेंद्र छेत्री। नमस्ते। सो नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप लोग? इस टाइम मैं नेपाल में हूँ। नेपाल के पोखरा में ना एक धामपुस करके एक गांव है, और धामपुस गांव में मैं इस टाइम पे हूँ। और एक होम स्टे है जो कि एक फैमिली अपने घर में ही चलाती है, तो उस होम स्टे में इस टाइम पे हूँ। और अब देखोगे ना मेरे चारों तरफ पूरा ये ना गांव है, बिल्कुल गांव के बीचों बीच इनका घर है और ये घर में होम स्टे चलाते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं आपको भी इनकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। और प्रॉपर्टी से अच्छे ये लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मतलब इनसे मिलकर ना ऐसा ही लग रहा है कि हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं, जैसे नेपाल के लोग होते हैं ना वैसे ही हैं ये। और अभी ना कुछ इनके होम स्टे में कुछ अड़ोसी पड़ोसी आए हुए थे, तो उनसे भी हम बातें कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया उनसे बात करने में। ऐसा लग रहा था कि अपने घर में बैठे हों, जैसे अपने घर में अड़ोसी पड़ोसी आते हैं ना, उनसे बातें होती हैं। अगर आपको इनके होम स्टे में आना है तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज क्या है। और मैं भी आपको भैया से भी मिलवाऊंगा जिनका ये होम स्टे है। आपने लास्ट वीडियो में उनको वैसे देख लिया होगा, वो हमें हरी चौक पे मिले और हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग धामपुस जा रहे, तो उन्होंने बोला कि हमारा धामपुस में होटल है, आप हमारे यहाँ आइए। तो हमने कहा ठीक है। हमने तो उनको बोला था कि हम लोग कैंपिंग करेंगे, आपके यहाँ पे हम खा लेंगे, तो वो एग्री कर गए थे। लेकिन जब हमने उनकी प्रॉपर्टी देखा ना, तो हमें लगा कि नहीं, हम इनका रूम लेंगे, और काफ़ी बजट में। या तो ये हो सकता है कि इस टाइम पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा ये हमको सस्ते में दे रहे हैं। और दूसरी बात की ना, अभी तो थोड़ा शाम होने लगा है, तो इस वजह से ना पीछे कुछ व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे का व्यू ना असम व्यू है। मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। तो मैं आपको इनका फटाफट इनका प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, इनका प्रॉपर्टी कैसा है। जैसे आप उस तरफ से आओगे ना, तो आपको ऐसा पतला सा रास्ता मिलेगा अंदर आने को, और ऐसा कुछ है जैसे, मतलब उत्तराखंड के भी गांव होते हैं ना, जैसे साइड में ऐसी दीवारें होती है ना पत्थरों की, उसी साइड की साइड में से ऐसे दीवारें लगी हुई हैं, बिल्कुल जैसे गांव वाला लुक होता है हमारे इंडिया में भी, वैसे ही सेम। और कुछ ऐसा इनका एंट्री है, ऐसा गेट है, और ये ऐसा कुछ इनका प्रॉपर्टी है। ये जैसे आंगन है ना, इसको चौक बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, तो चौक बोलते हैं जैसे बाहर वाला एरिया होता है। और सबसे पहले हमको उनकी प्रॉपर्टी में बाहर से दिखा देता हूँ। तो ऐसा इनका एक हट बना हुआ है बिल्कुल मेन चौक पे, जिसमें आप बैठ के खाना खा सकते हो, डिनर कर सकते हो, और पीछे से आपको ऐसे एक अच्छा सा व्यू मिल जाएगा। और ये इनका ऐसा 2 फ्लोर का इनका प्रॉपर्टी है, जैसे एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर नीचे है, और नीचे फ्लोर पे आपको देखो इन्होंने डेकोरेशन कितने अच्छे से किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इनको आपका नीचे वाला फ्लोर दिखाता हूँ कि इनका नीचे वाला फ्लोर कैसा है। तो ऐसा कुछ इनका है, लाइट जला देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, लाइट जल नहीं रही है, इनफ उजाला है। तो ऐसे इनके ना जैसे बड़े बड़े रूम होते हैं ना गाँव में, ऐसे बड़े बड़े रूम को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप सिंगल बंदे हो तो आप एक रूम ले सकते हो, ऐसे 2 बेड लगे हुए हैं एक इधर उधर। और देखो कितने अच्छे से साफ सफाई मेंटेन, बड़े बड़े होटलों में ना आपको ऐसा इतना सेंसफुल क्लीननेस नहीं मिलेगी। जब आप ऐसी प्रॉपर्टी में रहोगे ना तो मज़ा भी अलग आता है। तो बाकी के सारे रूम इनके ऐसे ही हैं, इनके ऐसे 2 बड़े हॉल हैं जिनको इन्होंने ना तीन तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, बीच में वुडन का इन्होंने ऐसे सेपरेशन किया हुआ है वुडन से। और ऐसी सेम ना ऊपर भी है, अभी हम अपने रूम में भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो मैं ना आपको ना सबसे पहले भैया से मिलवाता हूँ, जो यहाँ के ऑनर है ना उनसे मिलवाता हूँ। तो ये हमारे क्षेत्रीय भैया हैं, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। ये बाईलक क्षेत्रीय भैया ना हमें हरी चौक पे मिल गए थे, हम लोग ना बस का वेट कर रहे थे, भैया भी वहाँ पे अपना सामान लेने गए हुए थे। तो भैया ने बोला आप लोग कहाँ जा रहे, तो हमने बताया भैया कि हम लोग ना वहाँ जा रहे हैं धामपुस में। तो भैया ने बोला कि यार हमारा प्रॉपर्टी है वहाँ पे, हमारा होटल है, अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ आ सकते हो। तो हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे भैया को फ़ोन किया, भैया हमें बीच मतलब नीचे रोड पे लेने के लिए आ गए। तो वैसे अगर हम सही बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे धामपुस आते ना, हम ऐसे किसी होटल में रुक जाते या तो फिर हम कैंप लगाते, और बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आता है ना। लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल फैमिली वाला फील आ रहा है, कि जैसे हम अपने ना किसी रिश्तेदार के घर में आए हुए हैं, ऐसा फील आ रहा है। और सबसे अच्छा ना कि प्रॉपर्टी से अच्छी मैं बता रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टी से अच्छे ना ये लोग हैं, काफ़ी फैमिलियर और काफ़ी अच्छा बिहेवियर आपको इनका देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे से इन्होंने वेलकम किया, मतलब स्माइली फेस है सबका, इनके परिवार में काफ़ी अच्छे लोग हैं। बाकी भैया जी हमको ना अभी अपना पूरा गांव भी दिखाएंगे। आप ये आपके दोनों आपके बच्चे हैं ना, इनके 2 ये बच्चे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दीपेंद्र शेर सिंह। दीपेंद्र छेत्री। देखो बच्चा, छोटा सा बच्चा नमस्ते कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये इसका नाम क्या है छोटू का? बाबा जी मेरा नाम क्या बंदे? दीपचंद छेत्री। नमस्ते। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। तो अभी मैं आपको चल के, वो दीदी भी है इनकी जो वाइफ है, अभी उनसे भी मिलवाएंगे, अभी थोड़ा वो काम में बिजी है, थोड़ा सा वो फ्री होंगे फिर आपको मिलवाएंगे। हम आपको किचन दिखा सकते हैं? ठीक है।
तो भैया जी का किचन आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छा ना कि इन्होंने यार क्लीननेस बहुत अच्छी है इनकी, मेंटेनेंस आप इन्होंने बहुत अच्छे से की हुई है। ये इनका किचन है, थोड़ा लाइट है यहाँ पे और लाइट अच्छा यही है। बाकी ये देखो यार कितना अच्छा सा इनका किचन है, मतलब ऐसा आपको फील आएगा कि बिल्कुल ना किसी ऐसी जगह पे आप कितने यार महंगे से महंगे होटल में चले जाओ लेकिन आपको ये फील नहीं मिल पाएगा। नहीं भैया जी चित्ती भैया जो हम चीज ढूंढ रहे थे ना हमें वो चीज मिल गई है। तो ये दीदी है, ये इनकी वाइफ है। जहाँ पे हम रुके हुए ना वाला प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ, वाला रूम आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी ऐसे कुछ इन्होंने पूरा गमला गमले से सजाया हुआ है। और ये हमारा ये वाला रूम है, तो ये हमारा रूम है, हमारा थोड़ा सामान वामान फैला हुआ है। तो बगल वाला रूम भी सेम है, आपको बगल वाला रूम दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ऐसा देखो ऐसा रूम है इनका। ऐसा ये रूम है छोटा सा, और एक यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, एक यहाँ पे सिंगल बेड है, और एक यहाँ से खिड़की है, और एक यहाँ से खिड़की है। और ऊपर का छत देखो ऐसा कुछ इन्होंने मैट लगाया हुआ है इस तरह। बाकी वुडन के ऐसे पार्टीशन बनाए हुए हैं, यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग के लिए भी हमें मिल जाएगा सॉकेट। बाकी इन्होंने ऐसे वुडन को कवर करने के लिए ऐसे पर्दे लगा दिए। ऐसे व्यू है ऊपर वाले फ्लोर पे से, बाकी सामने घर बना हुआ इस वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से सामने से ना पूरा व्यू दिख रहा है। इधर देखो इधर से पूरा दिख रहा है। और बाकी इनका एक ना मैदान भी है, उस मैदान में हम कैंप भी पिच कर सकते हैं अगर चाहे तो। बाकी ऐसे इनके अड़ोस पड़ोस है, अड़ोस पड़ोस में इनका मतलब ये सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी है इनकी, ये लोग ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का नहीं, इन्होंने होम स्टे वगैरह बनाया हुआ है। बाकी ऐसा आपको यहाँ पे क्लीन वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। ऐसा कुछ ना यहाँ पे इनका ये पीछे का एरिया है, मुर्गा वर्गा पाल रखे हैं यहाँ पे, इनको लकड़ियों का स्टोर किया हुआ है ज़रूरत के लिए। बाकी यहाँ पे इनके लैट्रिन बाथरूम है, ये यहाँ पे इनका मैदान है, यहाँ पे कैंप भी पिच कर सकते हैं इनके। इनके पास ये भी है कि कल को अगर किसी को कैंप करना है तो कैंप भी रख सकते हैं इनके। यहाँ पे ये मुर्गे हैं देखो, कड़कनाथ मुर्गा है ये, हमारे काला वाला जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना इसको कड़कनाथ मुर्गा बोलते हैं। इस मुर्गे को ना ऐसे इसमें रखते हैं इसके अंदर, ये ऐसे देख रहे हो ना, इसके अंदर ये ऐसे मुर्गा को रात को बंद कर देते हैं ताकि बिल्ली बिल्ली कोई कुत्ता होता है ऐसा मुर्गा मुर्गा ना खा जाए। ऐसा कुछ है इनका, ऐसे घास वास इन्होंने रखा हुआ है तो इसको रख देते हैं वापस। और ये था इनका पूरा प्रॉपर्टी का यार व्यू, ये देखो मुर्गे के लिए ऐसे खाने का, और इनके मुर्गे हैं बड़े बड़े से मुर्गे। तो ये था इनका प्रॉपर्टी यार, ये था इनका धामपुस गांव में इनका प्रॉपर्टी। अगर आप धामपुस आ रहे हो और अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ ऐसी जगह पे रहना है बिल्कुल जो आपको विलेज वाला फील आए, विलेज वाला खाना मिले, तो आप ऐसे इनके होम स्टे में आ सकते हो। तो इनके होम स्टे में आ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा धामपुस विलेज घुमाएंगे।